लास्ट जो हमने एक्ट किया था, लास्ट एक्ट जो किया था वो हमने एक्ट ऑफ 1786 किया था। अब इसके बाद जो आपके पास एक्ट आएंगे वो आएंगे चार्टर एक्ट। ठीक है, अब चार्टर एक्ट की बात करते हैं। चार्टर एक्ट, तो यहां से बात समझ आ रहा कि जब भी चार्टर एक्ट की बात करेंगे यहां पे बात की जाएगी कंपनी के ट्रेड प्रिविलेजेस की। सर स्क्रीन ही हो रही है इसकी। एक चलो, अब हो रही है शो। हेलो तो यहाँ पे देखो, अब जब हम बात करेंगे यहाँ पे चार्टर एक्ट्स की, तो चार्टर एक्ट में हमेशा एक बात याद रखना कि चार्टर एक्ट जो डील करता है वो आपके पास डील करता है विद द ट्रेड कंपनी प्रिविलेजेस ऑफ द कंपनी। यहाँ पे ट्रेड प्रिविलेजेस को एक्सटेंड किया जाएगा या फिर एक्सटेंड नहीं किया जाएगा, राइट? तो इनके साथ डील करेंगे, राइट? चलो, इंटर तो अब बात करते हैं सबसे पहले चार्टर एक्ट ऑफ 1793। देखो एक बात और नोटिस करना, यहाँ पे 1793 के बाद 1813 है, फिर 1833 है, फिर 1853 है। तो इन चार्टर एक्ट के बीच में जो टाइम गैप रहा है वो पूरे 20 इयर्स का रहा है। अब वो भी देखते क्यों रहा है। ये था फर्स्ट एक्ट के अच्छा बीच का। अब देखो, जब चार्टर एक्ट ऑफ 1793 आया तो मैंने पहले बोला कि ये डील करेगा कंपनी की ट्रेड प्रिविलेजेस के साथ, मेनली जो मेन पर्पस होता था, राइट? तो अब यहाँ पे चार्टर एक्ट ऑफ 1793 के थ्रू क्या किया गया, कंपनी की ट्रेड प्रिविलेजेस जो है वर एक्सटेंडेड। अब ये एक्सटेंड की गई कितने टाइम पीरियड के लिए, फॉर 20 इयर्स के लिए। दैट मींस नेक्स्ट 20 इयर्स के लिए जो है कंपनी की ट्रेड प्रिविलेजेस जो है वो एक्सटेंड कर दी गई। तो अल्टीमेटली अब नेक्स्ट चार्टर एक्ट जो आएगा वो 1813 में आएगा, जब ये ट्रेड प्रिविलेजेस जो है वो एंड हो गई, राइट? इसलिए ये मतलब 20 साल का गैप रहा। क्लियर? तो ये हाँ याद रखना, 1793 के थ्रू जो है ट्रेड प्रिविलेजेस एक्सटेंड की गई फॉर 20 इयर्स के लिए। सेकेंड, यहाँ पे देखो, अब जब हमने यहाँ पे बात करी थी ना कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता एस्टेब्लिश किया गया, जिसमें बोला गया, जब हमारे पास अमेंडिंग एक्ट आया जिसमें इसकी सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिडिक्शन जो है वो एक्सटेंड कर दी गई थी टू ऑल द इनहेबिटेंट्स ऑफ कैलकटा, जिसमें बोला गया कि इनको जो ट्रायल किया जाएगा वो उनके रिलीजियस लॉ और उनके पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग किया जाएगा, जो हमने अमेंडिंग एक्ट के अकॉर्डिंग बात करी, राइट? अब यहाँ पे क्या बोला गया चार्टर एक्ट ऑफ 1793 में, तो यहाँ पे बोला गया कि अब जो ब्रिटिश इंडिया है, दैट मीन जो ब्रिटिश की पोजेशन है इंडिया में, वहां पे जो अब गवर्नेंस की जाएगी, वहां पे जो अब गवर्नेंस की जाएगी वो बेस्ड होगी सारी की सारी ऑन रिटन लॉज पे, बेस्ड ऑन रिटन लॉज। ठीक है, कि बोला जो पहले हम गवर्नेंस करते थे इन ब्रिटिश इंडिया में अकॉर्डिंग टू मतलब उनके पर्सनल लॉ पे और पर्सनल रूलर्स के पर्सनल रूल्स पे और जो रूलर्स होते थे उनके लॉज के अकॉर्डिंग, राइट? बोला आप उसको एंड कर रहे हैं, अब ब्रिटिश इंडिया में जो एडमिनिस्ट्रेशन की जाएगी, गवर्नेंस जो की जाएगी वो ऑन रिटन लॉज के बेसिस पे की जाएगी। तो अल्टीमेटली यहाँ पे एक बात बोल दी गई कि अब देखो, यहाँ पे रिटर्न लॉस की बात जब बोल ली गई तो अल्टीमेटली ये क्या बोल रहा था कि अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, लोगों को राइट्स ग्रांट करेंगे, यहाँ पे लोगों को कुछ राइट्स ग्रांट किए जाएंगे और वो सारे के सारे राइट जो होंगे रिटर्न फॉर्म में होंगे। अब यहाँ पे ये बात बोल दी गई कि दैट मीन अगर लोगों को राइट्स हम ग्रांट कर रहे हैं, वो भी रिटर्न फॉर्म में ग्रांट कर रहे हैं जिसके थ्रू गवर्नेंस की जाएगी, तो यहाँ पे सीधी सी बात बोल दी गई, ये जो लॉज जो लिखे जाएंगे वो वर्नाक्यूलर लैंग्वेज में लिखे जाएंगे। वर्नाक्यूलर लैंग्वेज दैट मीन्स लोकल लैंग्वेजेस में ये लॉज जो है वो लिखे जाएंगे, दैट मीन्स कि जिससे जो है लोगों को अपने लॉज के बारे में, अपने राइट्स के बारे में
नॉलेज हो, अवेयर हो सके, राइट। तो ये बात भी बोल दी गई, ये बात क्लियर हुई? हाँ जी सर। तो देखो यहाँ पे अब इन्होंने क्या बोला, तो इसके लिए अब क्या किया गया, तो यहाँ पे कोड ऑफ रेगुलेशन जो था वो फॉर्म किया गया। कोड ऑफ रेगुलेशन जो है वाज फ्रेम्ड, वो फ्रेम्ड किया गया जिसके थ्रू क्या, जिसको कहाँ पे इनेक्ट किया गया, इनेक्टेड इन बंगाल। मतलब ये जो कोड ऑफ रेगुलेशन, कोड का मतलब वो एक बुक बना दिया, एक कोड ऑफ कंडक्ट जिसको बोलते हैं, ये आपको रेगुलेशन जो, ये आपको रूल जो है वो फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है, जिसको इनेक्ट किया गया आपके पास कहाँ पे, बंगाल में, राइट। और साथ ही साथ चार्टर एक्ट ऑफ 1793 में क्या बोला गया कि अब जितने भी मेंबर्स हैं, मेंबर जो है ऑफ द होम गवर्नमेंट, होम गवर्नमेंट मतलब जो भी मेंबर्स हैं इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट के या ब्रिटिश कंपनी के, जितने भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के जितने भी मेंबर्स हैं, ठीक है, इंडिया में, उनको जो अब सैलरी जो पे की जाएगी वो कहां से पे की जाएगी, फ्रॉम द जो आप रिवेन्यू यहाँ पे इंडिया में कलेक्ट करोगे, वहां से जो रिवेन्यू कलेक्ट किया जाएगा इंडिया में, दैट मीन सिंपल सी बात है कि इंडियन रिवेन्यू से जो है आप इनको क्या करोगे, सैलरी पे करोगे, जो होम गवर्नमेंट के मेंबर्स हैं। इससे पहले क्या होता था, इनकी सैलरी जो पे की जाती थी वो लंदन के स्टेट ट्रेजरी से की जाती थी, ठीक है, जहां से बोला, तो अब यहाँ से स्टेट ट्रेजरी से यहाँ पे सैलरी पे नहीं की जाएगी, अब इंडियन रिवेन्यू से सैलरी पे की जाएगी। तो अल्टीमेटली अब ब्रिटिशर ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, न्यू टैक्स जो है वो इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया, इवन टैक्सेस में क्या कर दिया इन्होंने, इंक्रीज कर दिया, राइट। तो ये बात भी हुई थी। इसके बाद चलते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1813। देखो अब नेक्स्ट आएगा 20 साल के बाद 1813 में, राइट। तो अल्टीमेटली अब इस एक्ट के थ्रू भी क्या किया गया, अब कंपनी का जो चार्टर था, दैट मींस जो ट्रेड प्रिविलेजेस थे वो रिन्यू कर दी गई फॉर फर्दर 20 इयर्स के लिए। फर्दर 20 इयर्स के लिए क्या कर दिया गया, इसको नेक्स्ट 20 इयर्स के लिए रिन्यू कर दिया गया। बट हुआ क्या, इस एक्ट के थ्रू जो कंपनी की मोनोपोली थी, इससे पहले क्या कर रही थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली थी इंडिया में ट्रेड की, उसको क्या कर दिया, एंड कर दिया, ठीक है। दैट मींस जो कंपनी की मोनोपोली थी टू ट्रेड विद इंडिया की, वो इंडिया के साथ कौन ट्रेड कर सकता है, सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड कर सकती है, अब उसको एंड कर दिया गया। और यहां पे बोला गया कि अब इंडिया की जो मार्केट है वो ओपन है टू अदर ब्रिटिश मर्चेंट के लिए भी ओपन कर दी गई। दैट मींस मार्केट ऑफ इंडियन मार्केट जो है वो अदर ब्रिटिश मर्चेंट्स के लिए भी ओपन कर दी गई। यहाँ पे मतलब जो अदर मर्चेंट्स थे, देखो एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, अब हम मान के चलते हैं कि पहले सिर्फ रिलायंस ही क्या कर रहा था, ट्रेड कर रहा था, अब रिलायंस की मोनोपोली एंड कर दिया, बोला यहाँ पे अदर कंपनीज भी आ सकती है, फॉर एग्जाम्पल टाटा भी आ सकता है, अडानी ग्रुप भी आ सकता है, कोई एक्स वाई जेड ग्रुप होगा वो भी आके आप ट्रेड कर सकते हैं, राइट। तो ये बात बोल दी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पहले मोनोपोली थी उसको एंड कर दिया, और इंडियन मार्केट जो वो ओपन कर दी अदर ब्रिटिश मर्चेंट के लिए। बट यहाँ पे एक बात बोल दी कि अभी भी हम क्या कर रहे हैं, कंपनी की मोनोपोली को, जो आपके पास कंपनी की जो मोनोपोली है उसको रिटेन कर रहे हैं। रिटेन किस केस में कर रहे हैं, कि जो भी ट्रेड किया जाएगा विद चाइना के साथ, एंड जो टी ट्रेड किया जाएगा और जो चाय पे ट्रेड होगा तो उस पे कौन ट्रेड करेगा, वो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही कर सकती है, अदर ब्रिटिश मर्चेंट आके इस पे ट्रेड नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बात करते हैं, यहाँ पे सारी मार्केट ओपन कर दिया अदर्स के लिए, बट यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या बोल दिया कि जो ऑयल इंडस्ट्री है वो सिर्फ उस पे कौन ट्रेड करेगा, सिर्फ रिलायंस ही ट्रेड करेगा।
तो दैट मीन्स वहां पे रिटेन कर दिया कि चाइना एंड टी ट्रेड के साथ जो है टी के साथ कौन ट्रेड करेगा, सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी, बाकी किसी भी फील्ड में किसी अदर सेक्टर में कोई भी ब्रिटिश मर्चेंट जो है आके ट्रेड कर सकता है, राइट? एक बात तो ये हुई। अब यहां पे देखो साथ ही साथ इन्होंने क्या बोल दिया, अब इसी एक्ट के अंडर क्या किया गया था, फर्स्ट टाइम दैट मीन्स चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के अंडर फर्स्ट टाइम जो है आपके पास कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन जो थी ऑफ द ब्रिटिश टेरिटरीज, इन इंडिया वॉज डिफाइंड, वो डिफाइन की गई। यहां पे बात कर रहे हैं कि फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ द ब्रिटिश टेरिटरी जो थी इंडिया में उसको डिफाइन किया गया। दैट मीन्स यहाँ पे स्पेसिफिकली इस एक्ट के अंडर क्या डिक्लेयर किया गया, इस एक्ट के अंडर यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया गया, ठीक है, कि बोला जितनी भी कंपनी ने टेरिटरी एक्वायर की है, दैट मीन्स जो कंपनी की टेरिटरी है इंडिया में जो इन्होंने एक्वायर्ड की है इंडिया में, ठीक है, उस वो किसकी सॉबरेनिटी के अंडर है, उस पर कंप्लीट सॉबरेनिटी किसकी है, क्राउन की। क्राउन के पास क्या है, उसकी कंप्लीट सॉबरेनिटी है। राइट, कंप्लीट सॉबरेनिटी जो है वो क्राउन के पास है, राइट? ये बात समझ में आई? हाँ जी सर। कि मतलब जो भी कंपनी की टेरिटरी आप, वो किसके कंट्रोल में है, सारा क्राउन के पास है, क्राउन जैसे चाहे वैसे उनके साथ डील कर सकता है, राइट? एंड देखो अब इसी के बाद इसी एक्ट में क्या हुआ था, यहां पे अलाउ कर दिया गया था कि जो भी क्रिश्चियन मिशनरीज हैं, दैट मीन यहाँ पे क्रिश्चियन मिशनरीज को और वी कैन से मिशनरीज को ब्रिटिशर ने क्या किया, अलाउड कर दिया कि वो क्या जा कहां जा सकते हैं, गो टू इंडिया। अब इंडिया क्यों जाएंगे, टू स्प्रेड क्रिश्चियनिटी, अपने रिलीजन को स्प्रेड करने के लिए, ठीक है। बट यहां पे देखो अब अपने रिलीजन को स्प्रेड करने के लिए जाएंगे तो इन मिशनरीज को जो अलाउ किया गया कि वो इंडिया में जा सकते हैं, तो यहां पे एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया जिसको हम बोलेंगे लाइसेंस सिस्टम। लाइसेंस सिस्टम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहां पे इन मिशनरीज को एक स्पेशल लाइसेंस जो है, दैट मीन लाइसेंस जो है ग्रांट किया गया जिसके थ्रू इनको परमिट किया गया कि वो इंडिया में जाके क्या कर सकते हैं, सेटल हो सकते हैं, और इनका मेन पर्पज यहाँ पे कोई ट्रेड करना नहीं होगा, ये इनका सिर्फ एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए इनको अलाउ किया जा रहा है इंडिया में, वो क्या होगा कि इनको क्या करना है, सिर्फ स्प्रेड करना है अपना रिलीजन और बीकन से स्प्रेड करना है क्रिश्चियनिटी को। तो फिर अब आप देखोगे कि 1833 के बाद जब यहाँ पे क्रिश्चियन मिशनरीज ने इंडिया में आना स्टार्ट किया, तो अब आपको यहाँ पे इंडिया में अब एक काइंड ऑफ अनदर काइंड ऑफ डेवलपमेंट देखने को मिलेगी जहां पे आपको क्रिश्चियनिटी स्प्रेड होगा। तो यहाँ पे आपको ना यहाँ पे अब आपको चर्चिज इंडिया में बिल्ड होना स्टार्ट होगा, फॉर एग्जाम्पल शिमला चर्च हो गया, जहां पे भी आपको चर्चिज मिलेंगी, मसूरी हो गया, कहीं भी अगर यहाँ पे बात करें, जितनी भी आपको हिल स्टेशन में या कहीं पे भी चर्चिज मिलती है, राइट, वो इसी एक्ट के बाद जब मिशनरीज आए थे तो इन्होंने यहाँ पे चर्चिज जो है वो बनाना स्टार्ट किया। चर्चिस के साथ साथ इन्होंने क्या किया, यहाँ पे अपने स्कूल्स ओपन करना स्टार्ट किए, फॉर एग्जाम्पल बिशप कॉटन स्कूल,
राइट right. तो ये सारा इसी एक्ट के बाद हुआ, क्लियर? बिशप कॉटर स्कूल हो गया, कॉलेजेस हो गया, इसी एक्ट के बाद जो है अब क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करने के लिए स्कूल एंड कॉलेजेस चर्चेज ओपन किए गए इंडिया में, राइट? ये बात क्लियर? और इसी एक्ट के अंदर क्या बोला गया था कि अब क्या किया जाएगा, ईयरली जो है रुपीज 1 लाख का फंड जो है वो एलोकेट किया जाएगा, ठीक है? अब 1 लाख का फंड जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा किसके लिए, फॉर द प्रमोशन ऑफ, प्रमोशन ऑफ लिटरेचर, एंड साइंसेस, लिटरेचर एंड साइंसेस के प्रमोशन के लिए अमंग इंडियन सब्जेक्ट्स, ठीक है? तो इसके लिए बोला कि रुपीज 1 लाख का एनुअल फंड जो है यहां पे प्रोवाइड किया जाएगा, तो ये बात भी याद रखना, क्लियर? ठीक। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास आएगा चार्टर एक्ट ऑफ 1833। अब देखो थोड़ा सा इस पे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ था, बैकग्राउंड की बात करें तो 1830 में ब्रिटेन में इलेक्शंस हुए और एक नई पार्टी जो है पावर में आई जिसका नाम था द पिग। मतलब यहाँ पे ब्रिटेन में एक नई पार्टी पावर में आई बिग्स, जिसको बाद में किस नाम से जाना गया, इस पार्टी को लिबरल पार्टी के नाम से भी फेमस, ठीक है, लिबरल पार्टी के नाम से भी जाना गया। अब जैसे ये बिग्स और लिबरल जो थे, मतलब इनको लिबरल इसलिए बोला गया क्योंकि इस पार्टी के जितने भी मेंबर्स थे, ठीक है, वो थोड़े से लिबरल अप्रोच के थे, कंजर्वेटिव नहीं थे। तो अल्टीमेटली अब इन्होंने क्या करना स्टार्ट किया, ब्रिटेन में कुछ रिफॉर्म्स लाना स्टार्ट कर दिया। दैट मींस कहीं ना कहीं इन्होंने खुद रिफॉर्म्स लेके आ रहे थे ब्रिटेन में। अब जब ब्रिटेन में ये रिफॉर्म्स लेके आ रहे थे तो उसी टाइम पे यहाँ पे एक एक्ट आया इंडिया में जिसको बोला गया चार्टर एक्ट ऑफ 1833। अब देखो जब ब्रिटेन में यहाँ पे रिफॉर्म्स चल रहे थे तो यहाँ पे देखो सबसे पहले जो फर्स्ट पार्लियामेंट्री रिफॉर्म एक्ट आया था जिसको रिफॉर्म एक्ट ऑफ 1833 बोलते हैं। ये मैं ब्रिटेन की बात करूं, फर्स्ट पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स एक्ट आया 1832, रिफॉर्म्स एक्ट ऑफ 1832 भी बोल सकते, ठीक है, जिसको और किस नाम से वो बात कर सकते हो आप, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1832, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1832 इस नाम से भी मतलब आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो इस एक्ट के अंदर अब क्या किया गया, यहाँ पे ब्रिटेन में बात कर रहा हूं, इंग्लैंड में क्या किया गया, रिफॉर्म जो है इंट्रोड्यूस किया गया, रिफॉर्म मतलब चेंजेस किया गया। अब चेंजेस किसमें किया गया, रिफॉर्म जो है वो किए गए किसमें, इन इलेक्टोरल सिस्टम, इलेक्टोरल सिस्टम में क्या किया गया, यहाँ पे रिफॉर्म किया गया, ठीक है। तो अब देखो इस इलेक्टोरल सिस्टम के अंदर क्या किया गया, देखो पहले क्या था, हर किसी को वोटिंग राइट नहीं ग्रांट था। अब इस इलेक्टोरल सिस्टम के अंदर दैट मीन जो रिफॉर्म किया गया, तो यहां पे क्या किया गया कि रिप्रेजेंटेशन जो है वो ग्रांट की गई, दैट मीन्स कि यहाँ पे अब वोटिंग राइट्स दिए गए किस किस को, जो आपके पास स्मॉल फार्मर्स थे उनको वोटिंग राइट दिए गए, जो आपके पास टीनेंट्स थे किराएदार थे उनको यहाँ पे वोटिंग राइट दिया गया, जो आपके पास स्मॉल शॉपकीपर्स थे उनको वोटिंग राइट जो है वो ग्रांट किया गया एटसेट्रा। बट यहाँ पे एक कंडीशन रखी, ऐसे नहीं इन्होंने यहाँ पे देखो उस टाइम पे क्या होता था, वोटिंग राइट इलेक्टोरल रिफॉर्म जो होता था दैट मीन्स जो आपके पास वोटिंग राइट जो दिया जाता था वो वहां पे कुछ क्वालिफिकेशन रखी जाती थी। तो यहाँ पे भी इन्होंने कुछ चेंजेस किए, इन्होंने बोला कि अब हम वोटिंग राइट प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर स्मॉल फार्मर्स को, स्मॉल टीनेंट्स को, शॉपकीपर्स को, एटसेट्रा को, बट बोला उसको ही दिया जाएगा जो पर्सन क्या करता होगा यहाँ पे एनुअल रेंट जो है वो पे करता होगा।
मतलब साल का एनुअल रेंट जो है वो आपके पास 10 पाउंड, ठीक है, और वीकेंड से 10 पाउंड जो है वो रेंट जो है वो पे करता होगा, राइट। तो ये यार ठीक है, 10 पाउंड अगर रेंट पे करता होगा तो उसको क्या कर दिया जाएगा, यहाँ पे वोटिंग राइट दिया जाएगा। तो ये चेंजेस किए गए थे फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1832 के अंदर, राइट। ये ब्रिटेन में किया गया, इतनी बात क्लियर हुई। चलो इसके बाद नेक्स्ट रिफॉर्म क्या किया गया, इंग्लैंड में ही बात कर रहा हूं। अब यहां पे आया, इंग्लैंड में एक न्यू एक्ट आया, द फैक्ट्री एक्ट ऑफ 1833, जिसके थ्रू क्या किया गया, स्लेवरी जो है वो अबॉलिश कर दी गई। स्लेवरी जो है वो अबॉलिश कर दी गई इंडिया में, सॉरी ब्रिटेन में, राइट। जब स्लेवरी अबॉलिश की गई तो इसके साथ साथ यहां पे दैट मीन इसके साथ क्या हुआ, इसी एटमॉस्फेयर के अंदर, दैट मींस जब ये एक्ट ये रिफॉर्म इंडिया सॉरी ब्रिटेन में आ रहे थे तो उसी टाइम पे चार्टर एक्ट ऑफ 1833 भी आया। तो इस एक्ट में स्पेसिफिकली यहाँ पे मेंशन कर दिया गया कि यहाँ पे मेन जो एम रहेगा गवर्नमेंट का, ब्रिटिश गवर्नमेंट का, अब वो क्या रहेगा कि इंडिया से भी हमें क्या करना है, स्लेवरी को एंड करना है, अबॉलिश करना है, राइट। तो ये टारगेट भी दे दिया गया था। इतनी बात क्लियर, ये बात हाँ क्लियर है जी, मेरे भाई? हाँ जी सर। तो अब बात करते हैं चार्टर एक्ट 1833 के प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू इंडिया। तो देखो इन रिफॉर्म्स टाइम के टाइम पे, जब ये मतलब रिफॉर्म चल रहे थे सारे ब्रिटेन में, उसी टाइम पे ये एक्ट आया। तो अल्टीमेटली अब इंडिया में भी कुछ रिफॉर्म्स आएंगे, राइट। तो देखो अब इस एक्ट के अंदर सबसे पहले तो हमें क्या बात करनी है, ट्रेड प्रिविलेजेस की। तो यहां पे क्या किया गया, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के अंदर जो कंपनी की ट्रेड प्रिविलेजेस थी जो आपके पास, वो एंड कर दी गई। कंपनी की ट्रेड प्रिविलेजेस जो है वो अब एक्सटेंड नहीं की गई, वो एंड हो गई। और यहीं पे कंपनी को क्या बोल दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कि वो क्या कर ले, अपना जो है सारा का सारा जो आपके पास इंडिया में जो भी आपका सिस्टम है उसको बाइंड अप कर ले, ठीक है, और जल्दी से जल्दी इसको बाइंड अप कर ले, आपको कभी भी हम वापिस बुला सकते हैं। मतलब उन्होंने बोला कि जितना जल्दी हो सकता है, एज सून एज पॉसिबल। जब एज सून एज पॉसिबल बोलते, जो चाहे उसमें 10 साल का हो, चाहे 20 साल का हो, चाहे 100 साल का हो, कोई दिक्कत नहीं। बोला कि जितना जल्दी हो सकता है आप अपना वहां पे बाइंड अप कर लो, हम आपको कभी भी वापिस बुला सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे ट्रेड प्रिविलेजेस को एंड कर दिया गया, बट ये नहीं बोला कि कितने टाइम में आपको बाइंड अप करना है सारा सिस्टम, ठीक है। ये बात क्लियर हुई। हाँ जी, साथ ही में इसके अंदर क्या किया गया, एक लॉ कमीशन जो है, और वी कैन से इंडियन लॉ कमीशन वाज अपॉइंटेड। इंडियन लॉ कमीशन जो है वो अपॉइंट किया गया, जिसका मेन पर्पस क्या था कि ये क्या करेगा, जो एग्जिस्टिंग लॉ है, जो कोड फ्रेम किया गया था, उनकी क्या करेगा, मॉडिफिकेशन करेगा, मॉडिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग लॉ। ठीक है, तो इसी के अंडर क्या हुआ था, जब ये लॉ कमीशन अपॉइंट किया गया था, आईपीसी इंडियन पिनल कोड सीआरपीसी जो है ये इनेक्ट किए गए। तो अब फादर ऑफ आईपीसी किसको बोला जाता है, लॉर्ड मैकुले। अब यही लॉर्ड मैकुले भाई साहब क्या थे, इस लॉ कमीशन के क्या थे, चेयरमैन थे, ठीक है। तो ये बात याद रखो, ठीक है। तो लॉर्ड मैकुले को फादर ऑफ आईपीसी बोला जाता है। तो इंडियन लॉ कमीशन अपॉइंट किया गया फॉर द कोडिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग लॉज के लिए, ठीक है। अब यही पे क्या बोला गया, देखो इससे पहले हमने क्या किया, गवर्नर जनरल की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, जो
जो गवर्नर जनरल इन काउंसिल थी, सबसे पहले हमने क्या किया, उसमें हमने बात करी गवर्नर जनरल को मिला के टोटल 5 मेंबर्स थे, बाद में हमने इसको रिड्यूस करके 3 कर दिए इंक्लूडिंग गवर्नर जनरल। अब क्या हुआ, इस एक्ट के अंडर, दैट मीन चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के अंडर, 1833 में अब क्या किया गया, अब बोला गया कि गवर्नर जनरल इन काउंसिल में हम क्या कर रहे हैं, लॉ मेंबर को ऐड कर रहे हैं। अब एक बात याद रखना, 1833 में क्या बोला गया कि गवर्नर जनरल इन काउंसिल में एक और मेंबर ऐड किया जा रहा है, वो कौन सा मेंबर होगा, जो लॉ मेंबर होगा, और ये मेंबर जो होगा एक एडवाइजरी मेंबर होगा, दैट मींस इसका फंक्शन जो होगा एडवाइजरी फंक्शन होगा। एडवाइजरी फंक्शन का मतलब इसके पास हैविंग नो वोटिंग राइट, इसके पास कोई वोटिंग राइट नहीं है, ये सिर्फ क्या करेगा, इस गवर्नर जनरल इन काउंसिल को जब इनको किसी एडवाइस की जरूरत होगी तो सिर्फ ये एडवाइस देगा, दैट मीन्स जब इनको जरूरत होगी तो किसी मीटिंग में इसको इनवाइट करेगा, फिर इनसे क्या लेगा, वो एडवाइस ले सकती है गवर्नर जनरल इन काउंसिल की, जो गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल है वो सिर्फ इसे एडवाइस ले सकते हैं, दैट मीन्स इसके पास कोई वोटिंग राइट नहीं था, ठीक है, कि ये मैटर जैसे हमने पहले बात करी थी कि ये एडवाइजरी काउंसिल जो है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है, सॉरी, ये मेजोरिटी से डिसीजन लेती है, यहाँ पे पहले मेंबर जो है वो क्या करते हैं, वोट करते हैं, अगर मेजोरिटी में डिसीजन आ गया तो गवर्नर जनरल उसके अकॉर्डिंग एक्ट करेगा, इनकेस टाई हो जाता था तो लास्ट वोट होती थी गवर्नर जनरल इन काउंसिल की। अब इस केस में लॉ मेंबर मीटिंग तो अटेंड कर सकते हैं बट वहां पे वोट नहीं कर सकता, तो ये बात याद, ठीक है, ये बात क्लियर हुई। हेलो, हाँ जी सर, क्लियर हुई, ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना, इसके पास एक सिर्फ एडवाइजरी फंक्शन था, दैट मीन्स इसके पास कोई वोटिंग राइट नहीं था, इवन ये भी क्या करेगा, अटेंड करेगा मीटिंग और इनविटेशन, मीटिंग भी अटेंड करेगा कब, जब इसको इनवाइट किया जाएगा, राइट तो अल्टीमेटली ये जो लॉ मेंबर जो बने थे वो कौन बने थे, जो लॉ कमीशन के हेड थे लॉर्ड मैकुल्ले, वही बने थे, ठीक है, मैकुल्ले, क्लियर हुई बात। और इसी एक्ट के अंदर अब क्या किया गया, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो था उसको क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया, अब डेजिग्नेशन चेंज कर दी और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को क्या नाम दे दिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो थे वो थे आपके पास विलियम बेंटिंक, राइट, ये बात भी याद रखिए। ठीक है, तो अब देखो, अब जब इसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया तो ये क्या सिग्निफाई करता है, ये सिग्निफाई करता है कि अब जो गवर्नर जनरल जो है इंडिया का, दैट मीन्स गवर्नर जनरल जो था बंगाल का पहले, अब उसको जो है इंडिया का गवर्नर जनरल बना दिया, दैट मीन्स अब उसके पास उसकी पावर को एक्सटेंड कर दिया, मतलब अब सारा का सारा जो ब्रिटिश प्रोविंसेस थी इंडिया में वो सारा इसके कंट्रोल में है, राइट, दैट मीन्स अब इसके पूरे कंट्रोल में है, किसके पूरे कंट्रोल में है, गवर्नर जनरल इन काउंसिल के कंट्रोल में है, दैट मीन्स गवर्नर जनरल इन काउंसिल जो डिसीजन पहले तो था कि वॉर एंड पीस के मैटर में लेना चाहती थी कि सिर्फ वॉर एंड पीस के मैटर में ले सकती थी, अब चाहे सिविल केसेस है कोई किसी भी मैटर में लेना चाहती है उस मैटर में जो है गवर्नर जनरल इन काउंसिल जो है वो डिसीजन आपके पास ले सकती है, राइट, तो इसका मतलब ये हो गया, क्योंकि जब हमने पहले किया था कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पास क्या पावर थी कि अदर प्रोविंसेस जो है मद्रास एंड बॉम्बे उनके मैटर में चाहे जो ये गवर्नर जनरल इन काउंसिल थी तो वो वॉर एंड पीस के मैटर में वो क्या कर सकती है, डिसीजन ले सकती है, सिर्फ वॉर एंड पीस के मैटर में, बाकी जो नॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशन थे वो ये खुद करेगी गवर्नर जनरल, जो वहां के गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड गवर्नर ऑफ मद्रास जो थे, बट अब जैसे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया डेजिग्नेशन होगी तो गवर्नर जनरल ऑफ इन काउंसिल जो थी एग्जीक्यूटिव काउंसिल उसकी पावर को इतना एक्सटेंड कर दिया कि वो किसी भी मैटर में, पहले वॉर एंड पीस पे तो लेती थी, अब किसी और मैटर में भी क्या कर सकती है, अपना डिसीजन ले सकती है, राइट, दैट मीन्स अब उसके पास पूरी अथॉरिटी थी एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन की इन इंडिया में, किसके पास, गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पास, राइट, ये बात क्लियर हुई। हाँ जी सर,
चलो अब इसी एक्ट के अंदर 1833 एक्ट के अंदर क्या किया गया था, यहाँ पे न्यू प्रेसिडेंसी ऑफ आगरा जो है वो क्रिएट की गई। न्यू प्रेसिडेंसी ऑफ आगरा जो है वो क्रिएट की गई थी, ठीक है। तो ये भी याद रखना, ये समटाइम क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि न्यू प्रेसिडेंसी ऑफ आगरा जो है कौन से एक्ट के अंडर जो है वो क्रिएट की गई थी। अब यहाँ पे देखो, इस एक्ट के अंडर एक प्रोविजन के अंडर एक सेक्शन था, सेक्शन 87, मतलब चार्टर एक्ट ऑफ 1833 जो था इसका सेक्शन 87 जो था, ये क्या बात कर रहा था कि हमें क्या करना है यहाँ पे, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट जो है वो इंडियंस को प्रोवाइड करनी है। एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट फॉर इंडियंस को क्या करेंगे हम, प्रोवाइड करेंगे, राइट। अब यहां पे बोला गया, इसी एक्ट के अंदर बोला गया था, दैट मींस इस सेक्शन 87 के अंदर बोला कि ये जो एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट जो है हम इंडियंस को ग्रांट करेंगे, तो बोला गया किसी भी इंडियंस को और नेटिव को, दैट मींस नेटिव बोल लो चाहे इंडियन बोल लो, ठीक है, उसको डिनाई नहीं किया जा सकता एम्प्लॉयमेंट देने से या फिर एजुकेशन देने से। किस केस में? इन रिस्पेक्ट ऑफ रिलीजन के केस में, उसके प्लेस ऑफ बर्थ के केस में, उसके डिसेंट के केस में, और वीकेंसी उसके कलर के केस में, या किसी वजह से डिसेबल्ड हो, तो मतलब उस केस में ये एक्सेप्शन दे दी कि इन केसेस में कि हम यहाँ पे उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन करना स्टार्ट करते कि आप इस रेस से हो, आपका प्लेस ऑफ बर्थ ये है, आपका डिसेंडेंट, आप इसके डिसेंडेंट हो, आपका ये कलर है, आप डिसेबल्ड हो, तो उसकी वजह से हम आपको एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट नहीं देंगे। पीएससीबी की बात इसमें बोल दी गई थी कि किसी भी काइंड की डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाएगी, कौन से एक्ट के अंडर, चार्टर एक्ट ऑफ 1833, कौन से सेक्शन के अंडर, सेक्शन 87। ये बात क्लियर हुई? हाँ जी सर, ये बात क्लियर हुई? अब देखो, हाँ जी मैंने सर, पहले ही बोला था कि जब चार्टर एक्ट ऑफ 1833 आया तो इसमें एक बात यहाँ पे स्पेशल मेंशन कर दी गई थी कि हमें क्या करना है, अब इंडिया से स्लेवरी को अबॉलिश करना है। तो ये डायरेक्शन दी गई थी किसको? गवर्नर जनरल को, कि आपको एफर्ट्स करने हैं टू अबॉलिश स्लेवरी फ्रॉम इंडिया। तो यहाँ पे क्या किया गया था, बाद में स्लेवरी जो है अबॉलिश कर दी गई थी इंडिया में बाय द एक्ट 5 ऑफ 1843। तो ये याद रखना, एक्ट 5 ऑफ 1843 के अंदर, इसके 10 साल के बाद। ये बात भी क्लियर हुई? हाँ जी सर, अब देखो, जब हमने यहाँ पे बात करी ना कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो था उसकी डेजिग्नेशन चेंज करके क्या कर दिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया, राइट। तो अल्टीमेटली पहले जो गवर्नर जनरल इन काउंसिल की जो पावर्स थी, अब क्या कर दिया गया, उसको एक्सटेंड कर दिया, राइट, वो एक्सटेंडेड होगी। तो अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, इसके वजह से इंडिया में एक न्यू सिस्टम जो है वो एस्टेब्लिश हुआ, जिसको बोलेंगे हम लेजिस्लेटिव सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन दैट मींस इसके अंडर क्या हुआ कि अब ये गवर्नर जनरल इन काउंसिल जो है और एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है वो क्या कर सकती है, लेजिस्लेट कर सकती है और वीकेंड से लॉज बना सकती थी किसके लिए, फॉर होल ऑफ द ब्रिटिश टेरिटरी, जो होल जितनी भी ब्रिटिश टेरिटरी थी इंडिया में, चाहे वो मद्रास के अंडर है, चाहे वो बॉम्बे के अंडर है, चाहे वो बंगाल के अंडर है, वो किसी भी रीजन के लिए लेजिस्लेट कर सकती थी। तो जिसकी वजह से हम क्या बोलते हैं कि इसको जो है लेजिस्लेटिव सेंट्रलाइजेशन जो है वो एस्टेब्लिश किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में, राइट। सर तो ये जो लॉज बनाए जाते थे बाय द गवर्नर जनरल इन काउंसिल, ये एप्लीकेबल होते थे टू ऑल पर्सन जो भी इस टेरिटरी में रिसाइड करता है, चाहे वो कंपनी का सर्वेंट ही क्यों ना।
वो वहां के इनहेबिटेंट तो होंगे ही होंगे, ठीक है, बट कंपनी के सर्वेंट होंगे तो उनपे भी क्या होगा, वो एप्लीकेबल होगा। तो ये बात यहाँ पे पूरी राइट। सर। ठीक है, तो आज के लिए इतने बहुत है, क्योंकि कल अब नेक्स्ट लेक्चर में जो हम करेंगे वो चार्टर एक्ट ऑफ 1853 और उसके बाद 1858 करेंगे, ठीक है। कल ये दो एक्ट करेंगे हम, राइट। अब देखो इसके बीच में 1853 और 58 के बीच में एक इंसिडेंट हुआ था जिसको हम बोलते हैं रिवोल्ट ऑफ 1857। फिर उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे रिवोल्ट ऑफ 1857, राइट। इसके पीछे क्या रीजन रहा, क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, सारा हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना काफी है, ठीक है। तो इसको पढ़ लेना, ठीक है। आज शाम को देखते हैं, मैं आपको टाइम बता दूंगा, उसके अकॉर्डिंग जो है फिर हम क्या कर लेंगे, आपके पास हम ज्योग्राफी क्लास। का।